हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारे इस चैनल पे जो आज का टॉपिक है पॉलिटी का, वो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और इसे समझना एज ए इंडियन सिटीजन, एज ए भारत के नागरिक होने के नाते आपका फर्ज भी बनता है। और दूसरी पक्षों में इससे एग्जाम से कई तरीके के बहुत पेचीदे सवाल पूछ दिए जाते हैं, तो आप इन सारे फैक्ट्स को जरूर ध्यान से देखिए और वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि इससे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। सबसे पहले दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये चैप्टर का नाम क्या है, भारत का जो संघ और राज्य क्षेत्र, इसकी मीनिंग आज हम लोग समझेंगे कि जनरली क्या होता है भारत का एरिया, टेरिटरी, स्टेट का मीनिंग क्या होता है, कहाँ तक उसके अधिकार हैं, क्या क्या उसके एप्लीकेशन हैं और किस तरीके से हम अपने आप को समझते हैं कि भारत हमारा कहाँ तक है। इन सब बातों के साथ चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा संविधान बना तो कुछ डिफिनिट क्राइटेरियाज बनाए गए। आप जानते हैं भारत जो है आज़ाद हुआ तो काफ़ी वायलेंस के साथ, काफ़ी हिंसा के साथ भारत और पाकिस्तान दो स्टेट्स, नए नए देश बने और इसके साथ कई विवादित जगह भी उनके साथ आ गए। तो सबसे पहले भारत के लिए जो आर्टिकल 1 है इसको याद रखिएगा, भारत के लिए जो वर्ड यूज होता है वो यूनियन ऑफ इंडिया यूज होता है, जो कि कनाडियन मॉडल पे है। आप जरूर ये ध्यान रखेंगे कनाडियन मॉडल पे, इसलिए कि एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है भारत का जो फेडरेशन है वो कौन से मॉडल पे है, तो कनाडियन मॉडल पे है। और दूसरी बात, भारत के जो संविधान में भारत के लिए फेडरेशन ऑफ स्टेट वर्ड यूज नहीं किया गया है। आपको ये जानना चाहिए भारत जो है राज्यों का समूह है, तत्पश्चात यहाँ वर्ड यूज किया जाता है यूनियन ऑफ इंडिया। देयर इज अ यूनियन ऑफ इंडिया वर्ड यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। आपको ये इन दोनों में अंतर समझना चाहिए। एक वर्ड, एक बड़ी सी लाइन यूज की जाती है इंडिया के लिए, इंडिया इज अ स्टेट ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। दोस्तों ये इंग्लिश में, मैं इसका हिंदी में मतलब समझाता हूँ, भारत उन राज्यों का संघ है जो खंडित थे उनका अखंडित समूह है। आप समझिए इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, तो अखंडित राज्यों का अखंडित समूह है। तो ये आपको कहीं भी किसी भी किताब में मिल जाएगा, इसे आप क्लियरली रखेंगे दिमाग में क्योंकि ये स्टेटमेंट से भी कई बार सवाल पूछे गए हैं। तो सबसे ज्यादा जहां टफ होता है उसी पार्ट को हम देखेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे, एग्जाम से ज्यादा कुछ भी हमें नहीं पढ़ना है, ये आप ध्यान रखें। सबसे पहला आर्टिकल 1 में क्या है, इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया कनाडियन मॉडल पे है, और इंडिया वर्ड या भारत वर्ड कौन सा वर्ड इस देश के लिए यूज होगा, या हिंदुस्तान आर्यावर्त क्या यूज होगा। इसके बाद में बहुत डिबेट हुआ उस टाइम जो संविधान बन रहा था, तो एक यहाँ वर्ड यूज होता है इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया जो भारत है, मतलब इंडिया वर्ड इंग्लिश के लिए और भारत हिंदी के लिए। तो आप ये बेसिक चीज़ें जरूर याद रखिएगा, आपने अगर नहीं पढ़ी होंगी तो ये पक्का आपके लिए यूनिक होगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जा सकता है इंडिया दैट इज हिंदुस्तान, और पूछा गया है दोस्तों PCS के एग्जाम में और आपके जो भी CDS वगैरह के एग्जाम में, इसमें इस तरीके के सवाल जनरली पूछे ही जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज, आर्टिकल 1 के बारे में बता दिया गया, इसके जो है एरियाज कहाँ कहाँ तक होंगे इसको देखते हैं। सबसे पहला जो होगा वो राज्य क्षेत्र होगा भारत के अंदर, जो भी राज्यों के इलाके हैं वो। दूसरा यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, ये भी होंगे। साथ ही साथ दो तो होंगे मेनली, इसमें आपको 3 याद रखना, और तीसरा सबसे ज़्यादा जरूर है, मैंने लिखा है इन फ्यूचर का ये मतलब है कि भारत जो भी फ्यूचर में किसी भी तरीके का टेरिटरी अक्वायर करेगा ये भी इसका हिस्सा है, मतलब भारत के मैप में उसे हम दिखाते हैं भारत का वो हिस्सा है। आपको याद करने के लिए मैं एक आपको क्लू देता हूँ, जो POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे हम लोग फ्यूचर में कभी ना कभी अपने अंदर लेंगे ही, इसलिए इस POK को हम भारत का हिस्सा मानते हैं और उसे अपने मैप में दिखाते हैं। तो आपके दिमाग में ये क्लियर हो गया, सिर्फ दो ही चीज़ें नहीं है, भारत का स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इसके साथ साथ जो फ्यूचर में अक्वायर किया जाएगा वो भी है। चलिए अगला जो है, इंडिया के टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया, मैंने बताया था राज्यों के समूह और क्षेत्र दोनों में अंतर होंगे। दरअसल इसमें एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में जो भी अलग से अक्वायर किए जा सकते हैं वो इसमें इंक्लूड है। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर, आपको ये याद करना होगा, बहुत इजीली है।
टेरिटरी जो है वो क्यों बड़ा होगा, क्योंकि इसमें जो भी फ्यूचर में अक्वायर किए जा सकते हैं वो इसमें इंक्लूड है, लेकिन यूनियन और यहाँ के एरियाज में जो यहाँ एग्जैक्टली हैं वो हैं, तो जो अक्वायर किए जा सकते हैं और जो है उनके साथ है तो डेफिनेटली वो बड़ा होगा, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो बड़ा होगा। अब आते हैं आर्टिकल 2 और 3 में बहुत कन्फ्यूजन रहती है और लड़के बहुत परेशान रहते हैं कि सर इसको क्या करें, कैसे सेग्रीगेट करें। मैंने अपने अनुच्छेद वाले पूरे जो लिस्ट दी थी कि किस अनुच्छेद को कैसे ट्रिक से याद करना है, उसमें 89 का भी एक ट्रिक था और भी कई सारे ट्रिक थे, नागास मनी सिमी अरुगो का 371 377 सारे ट्रिक्स उसमें दिए गए हैं, आप जाके उसे देख सकते हैं इसके प्लेलिस्ट में, पॉलिटी के प्लेलिस्ट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल होगा आप अगर आपको अनुच्छेद याद करने में दिक्कत हो रहा होगा तो। तो चलिए आर्टिकल 2 और 3 को मैंने उस समय भी बताया था, फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ। देखिए आर्टिकल 2 में संविधान में जो पार्लियामेंट को पावर दिए गए हैं उसके अनुसार जो नए राज्य कोई भी बाहर के टेरिटरी उसको जब शामिल किए जाएंगे तब, नए राज्य मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ न्यू वर्ल्ड है, या फिर नए राज्यों के गठन की शक्ति बाहर से, इसमें और इसमें यही फर्क है। आर्टिकल 2 जो है वो बाहर से किसी स्टेट को अगर हम इंक्लूड करते हैं, नए राज्यों को बनाते हैं, गठित करते हैं, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट, इंग्लिश में वर्ड यूज होता है एडमिशन मतलब शामिल करना, और हिंदी में वर्ड होता है, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड होता है एस्टेब्लिशमेंट। अगर हम किसी राज्य को जबरदस्ती मतलब किसी भी तरीके से फोर्सफुली फोर्स के द्वारा या किसी तरीके से इस्टेब्लिश करें तो आर्टिकल 2 में वो आता है। तो यार दोनों को क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। अब बचता है आर्टिकल 3 जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आप एक चीज दिमाग में सेट करें, आर्टिकल 2 और 3 में डिफरेंस, आर्टिकल 2 बाहर वाले मैटर के लिए है, आर्टिकल 3 इंटरनल मैटर के लिए है। जैसे कि किसी भी राज्य का नाम बदलना हो, आकार बदलना हो, बाउंड्री बदलना हो, इन सब चीजों को अगर कम ज्यादा करना हो, जैसे कि आंध्र प्रदेश का आकार कम करके तेलंगाना बना दिया गया, तो ये आर्टिकल 3 में आएगा। ये आप भरसक याद रखेंगे और ये याद रखने वाली चीज ही है। तो इसमें बस यही सब चीजें आती हैं, नाम बदलना हो, आकार बदलना हो, बाउंड्री बदलना। इसमें से सबसे ज्यादा अगर एग्जाम में पूछा गया है तो नाम बदलने वाला पूछा गया है। तो ये किसमें है, पहले हम बाहरी चीजों को ठीक करेंगे, बाहर के एडमिशन को लाएंगे, स्टेट को एडमिट करेंगे, साथ ही साथ उनके उनका गठन करेंगे, उसके बाद जो इंटरनल एरिया में हमारे डिफरेंस है, इंटरनल स्टेट में हमारी दिक्कतें हैं, उसको ठीक करेंगे, जैसे नाम बदलना, आकार बदलना, बाउंड्री बदलना। हम अभी देखेंगे जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, किस स्टेट का नाम कब बदला गया है, कौन सा स्टेट कब बना, इन सब चीजों को हम देखेंगे जो एग्जाम के रिस्पेक्ट से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेम बदलना हो, ये सब आर्टिकल 3 में होगा। अब आई होप कि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया हो। हमारे सामने जो ये तो आपने देखा कि आर्टिकल में इसके बारे में क्या कहा गया, अब इसकी प्रोसेस क्या है। प्रोसेस सुनिए दोस्तों, बहुत ही इजी प्रोसेस है। या तो कोई राज्य अपने विधानसभा में प्रस्ताव पास करके संसद के पास भेजता है, संसद जो है प्रेसिडेंट की अनुमति से, या फिर संसद प्रेसिडेंट की अनुमति से उस बिल को लाती है पार्लियामेंट में और उसे मेजोरिटी से पास करती है, तब भी ये सारे चेंजेस या तो नए राज्य एंटर हो जाएंगे या इंटरनल एडजस्टमेंट हो जाएंगे, ये दोनों उस केस में होते हैं। क्या क्या मैंने बताया, या तो राज्य पास करे तो, या फिर प्रेसिडेंट की अनुमति से हो तो। दूसरा केस जो है जिसमें प्रेसिडेंट की अनुमति लेना जरूरी है, प्रेसिडेंट उस मैटर को उस राज्य के विधानमंडल में रेफर करते हैं कि आप इस पर अपनी राय दें, और लिमिटेड टाइम के अंदर उनको अपना राय देना होता है, बशर्ते वो प्रेसिडेंट उनकी राय को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसे आप क्लियर कट कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें कि यहाँ संघ और पार्लियामेंट ज़्यादा पावरफुल है, जब भी चाहे किसी राज्य का स्टेट बाउंड्री बदल सकती है, नाम बदल सकती है, इस तरीके को चीज़ों को वो करने में सक्षम है, और ऐसा हुआ भी है। तो आप इसमें हमेशा याद रखेंगे, दो तरीके हो गए मैंने बताए, प्रेसिडेंट मान भी सकते हैं और उसके प्रपोजल को स्टेट के रिजेक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टेट का जो विल है, पावर है, उनका जो एक्सेप्टेंस है, वो मैटर यहाँ नहीं करता है, यहाँ स्टेट अपने आप को कमजोर महसूस करता है। एक और चीज मैं बताता हूँ, आर्टिकल 2-3 को आपने क्लियर कर देख लिया, 4 आर्टिकल बहुत ईजी है। 4 आर्टिकल में कहा गया है इस तरीके के कोई भी चेंजेस जो पार्लियामेंट में बिल पास किए जाएंगे वो आर्टिकल 368 जो संवैधानिक अमेंडमेंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, उसके अंतर्गत नहीं आएंगे, ये जनरल अमेंडमेंट होंगे। दोस्तों ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास गया था, बेरी बेरी यूनियन जो 1960s के दशक की बात है ये, जो जब उसे
बांग्लादेश को अक्वायर करना था और तमाम सारी उसमें मुश्किलात आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये क्लियर किया था कि ये जो है आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आएगा, बशर्ते किसी फॉरेन कंट्री से, किसी विदेश कंट्री से हमारा कोई टेरिटरी लेन देन ना हो। अगर विदेशी जो है स्टेट से कुछ लेन देन होगा जमीन का या उस तरीके का, तो वो संवैधानिक सुधार होगा, आप ये ध्यान रखेंगे। तो आर्टिकल 368 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट का आप नाम सुने होंगे, जो बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट क्या था, कुछ इलाकों को बांग्लादेश को दे दिया गया और कुछ ले लिया गया, जिससे जो है वहाँ की बाउंड्री अच्छे से इस्टेब्लिश हो गई, इसे ही लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कहते हैं। तो वो फॉरेन टेरिटरी से रिलेटेड है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंतर्गत होगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जनरल अमेंडमेंट होंगे और आर्टिकल 4 के अंतर्गत होंगे। तो मैंने बताया फॉरेन से रिलेटेड होगा 368, और अगर इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया के इंटरनल रीएडजस्टमेंट है, तो उसके लिए संवैधानिक को बंद करने की जरूरत नहीं है, वो जनरल बिल लेकर लाएंगे, उसे पास करेंगे और वो लागू हो जाएगा प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर करते हुए। इसी तरीके के सारे पॉलिटी के वीडियो हमारे अवेलेबल हैं इस चैनल पे, आप जरूर जाएं देखें, विजिट करें उस प्लेलिस्ट को। दोस्तों ये सारी बातें हो गई, भारत आज़ाद हो गया, कुछ राज्यों में बहुत विद्रोह होने लगा कि हमें अपने भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे, तमाम सारी मुश्किलों के आधार पे हमें एक नए राज्य का गठन चाहिए। मेनली जो डिमांड उठी वो भाषा के आधार पे गठन शुरू हुई। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना एक कमेटी बनाई जाए। तो 1948 में, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले जो कमेटी बनी थी वो एसके धर कमेटी बनी थी। दोस्तों एग्जाम में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, देयर हैज बीन फुल पॉसिबिलिटी ऑफ टू रेज क्वेश्चन अबाउट विच टाइप ऑफ कमीशन, ये किस टाइप का कमीशन था। तो आपको सीधा याद रखना, ये भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए कमीशन था, लिंग्विस्टिक बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ ए स्टेट। तो ये 1948 में बना था और इसने ऐसा कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों को बंटवारा, सजेशन इसने दिया था कि करना चाहिए, लेकिन इसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया। और ठीक उसी साल JVP कमेटी बनी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, इन तीनों की कमेटी ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को नामंजूर कर दिया। तत्पश्चात 1953 में एक आंध्र प्रदेश नाम का तेलुगु जो स्पीकिंग एरिया है, वो इस नए राज्य का उद्भव होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता थे पोट्टी श्रीरामलू, उन्होंने फास्ट अनटू डेथ रखा, मतलब जब तक मर जाएंगे तब तक फास्ट रहेंगे, किस लिए, भाषा के आधार पे हमारा अलग राज्य होना चाहिए। तो इन्होंने रिजेक्ट करने के बाद इन्होंने फास्ट शुरू किया और उनकी देहांत होने से उस समय एक अलग राज्य बनाया गया 1953 में। तो ये पूछा गया है सबसे पहला भाषाई आधार पर राज्य जो बांटा गया वो कब बना, 1953। तो आप ये याद रखेंगे, इसके धर कमेटी बनी थी 1948 और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन से रिलेटेड थी। तत्पश्चात भारत सरकार ने कुछ और राज्यों की जब मांग शुरू हुई कि हमें भी दूसरे राज्यों से बांट दिया जाए, तो कुछ और डिमांड को देखते हुए एक और कमेटी बैठाई गई थी, जिसको आप जरूर याद रखना चाहिए आपको। उस कमेटी का नाम क्या है, फजल अली कमीशन 1955। दोस्तों एक चीज क्लियर रखेंगे, पहले धर साहब आते हैं फिर फजल अली, दोनों डेट पूछा गया है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ VVI लिख दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डेट पूछे गए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। पहले धर साहब आए हैं फिर फजल अली आएंगे। फजल अली ने ये रिकमेंड किया कि हाँ भाषा के आधार पे राज्यों का गठन हो सकता है, लेकिन एक भाषा एक राज्य का गठन नहीं होगा, अगर ऐसा होता तो भारत आज टुकड़ों टुकड़ों में होता, बट भगवान की मर्जी और अल्लाह गॉड सबकी मर्जी, देखिए ऐसा नहीं हो पाया। कितने अच्छे आदमी थे, इनका कंट्रीब्यूशन हमें नहीं भूलना चाहिए। और फजल अली साहब ने ये रिकमेंड किया कि भाषा के आधार पे बांटना चाहिए, बट एक भाषा एक राज्य ऐसा कभी नहीं होगा। और इसी बेस पे जो पहला राज्य बना वो बना महाराष्ट्र के इलाके से निकल के गुजरात। गुजराती बोलने वाले लोग जो है 1960 में अलग हो गए, जो कि मोस्ट टाइम पूछा गया है 1953 के बाद, 1960 में ये पहला गुजरात महाराष्ट्र से अलग हुआ। उसके बाद जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उनको देखेंगे। दमन एवं दीव जो है 1961 में अलग किया गया, इसे फॉरेन टेरिटरी से छुड़ाया गया और इस पर अपना शासन स्थापित किया गया, तो कौन से आर्टिकल में होगा, आर्टिकल 2 में होगा, जब फॉरेन टेरिटरी की बात हो, विदेशी जमीन की बात हो। गोवा एवं दमन दीव को भी 1961 में ही छुड़ाया गया, और आप जानते हैं गोवा पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके साथ साथ जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं डिफेंस एग्जाम में मेनली, वो ये पूछे जाते हैं 35 और 36,
ठीक है, 35-36 अमेंडमेंट एक्ट क्या था, मैंने अमेंडमेंट की क्लास में आपको ये सारे चीजें बता दी हैं। अमेंडमेंट का अगर वीडियो देखेंगे तो समझ जाइए। 35 में जो है सिक्किम के बारे में प्रबंध किया गया था, इसे एक एसोसिएट स्टेट बनाया गया था, लेकिन 36 की अगर बात करें तो इसे फुल फ्लेज मतलब पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं हुई, पहले एसोसिएट स्टेट बनाया गया था, एसोसिएट स्टेट का मतलब है सह राज्य, और 36 में जो है पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ये अमेंडमेंट की बात है, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम इसी से रिलेटेड था, इसलिए मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया। गोवा जो है 1982 में पूर्ण राज्य बनता है। इसके साथ साथ मैंने बताया था कि इंटरनल रीएडजस्टमेंट, जैसे किसी का नाम बदलना हो तो आर्टिकल 3 में आएगा। तो उड़ीसा, यूपी, बंगाल, इन सबों के नाम बदले गए हैं, मद्रास, तमिलनाडु, ये सब के नाम बदले गए हैं कभी ना कभी। आपको इनकी लिस्ट मिल जाएगी, कहीं भी आप ढूंढेंगे। सबसे पहले जो पूछे जाते हैं, यूपी पूछा जाता है। यूपी का 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस नाम हुआ करता था, 1950 में इसे उत्तर प्रदेश बनाया गया। उड़ीसा जो है इसका नाम पहले उड़ीसा र होता था, जिसे डॉ किया गया, तो ये 2011 में। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल का नाम बंगाल किया गया 2016 में। तो ये सब एडजस्टमेंट है। और रिसेंट के एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं, तेलंगाना की स्थापना किस डेट को हुई, तो 2 जून 2014 में तेलंगाना की स्थापना हुई। सबसे रिसेंट का ये राज्य है, इसलिए सबसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इससे पहले की बात करें तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, तीन राज्यों का गठन हुआ था नवंबर 2000 में। तो ये आप याद रख सकते हैं, नहीं भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये तेलंगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों इसके साथ ये चैप्टर तो खत्म होता है, हमारी ये पॉलिटी की सीरीज आगे चलती रहेगी। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप ऊपर के स्क्रीन पे दबा सकते हैं, साथ ही साथ इधर के कार्ड पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, तमाम तरीके की वीडियो इस पे अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स डेली जरूर देखें, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं जीएस का भी रिविजन कराता हूँ साथ में।